सर पर फील्ड हेड सजाए और लबों पर धीमी मुस्कुराहट लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन की 3 बोगियों और 2 इंजनों की नकाब कुशाई कर दी। इनके साथ चीनी कौंसल जनरल लुलोंग डांग बैन भी मौजूद थे। ऑरेंज मेट्रो ट्रेन की रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटा होगी और एक बोगी में 200 अफराद के बैठने की गुंजाइश होगी। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा कि मुहालफिन नहीं चाहते कि मंसूबा मुकम्मल हो, इनके इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। अजीम मंसूबे को जो कि एक बेवा यतीम, एक मजदूर, एक तालिब इल्म, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक क्लर्क को टाइम के ऊपर मंजिले मकसूद तक पहुंचाना था, उस पर इन्होंने रुकावट डाली है। मैं समझता हूं कि ये आर्जी रुकावट है, इस पे हमें ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। तकरीब के दौरान मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट से मुतल्लिक तफसीली दस्तावेज फिल्म भी दिखाई गई, जिसमें बताया गया कि मंसूबे पर 75% काम मुकम्मल कर लिया गया है। ताहम अदालती हुक्म की वजह से 12 से ज्यादा मुकामात पर काम रुका हुआ है। कैमरामैन आदिल नवाज के साथ फहीम अमीन, 92 न्यूज़, लाहौर।